नमस्कार दोस्तों, आज हम एपिड्रा इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये एपिड्रा इंजेक्शन है, आपको दिख रहा होगा। इस इंजेक्शन के अंदर इंसुलिन ग्लूलिसाइन या फिर मोनो कंपोनेंट इंसुलिन ग्लूलिसाइन इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। एपिड्रा इंजेक्शन का इस्तेमाल जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उसके लिए किया जाता है, चाहे पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों स्थिति में इस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं। इसलिए ये इंजेक्शन बढ़िया इंजेक्शन है। डोज देने का तरीका, अगर किसी का जो डायबिटीज का जो स्तर है वो 200 पर 200 या 250 के बीच में है, तो आप 0.25 ml सिरिंज में लेकर आप इसको, जो इसमें लिखा हुआ है कहाँ लगाना है, सबक्यूटेनियस यानी पेट पर, आपको नाभि से 2 या 3 फिंगर छोड़कर या 4 फिंगर छोड़कर आपको उस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाना होगा। अगर 250, 300 या 350 के बीच में जो डायबिटीज का जो स्तर है चेक करने पर आया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 0.5 ml आप उस जगह पर दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपने डोज दिया तो पेशेंट की जो स्थिति है वो थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि रक्त में जो शर्करा का जो स्तर है वो कम हो सकता है ज्यादा डोज देने पर। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा डोज देने पर, या फिर उनको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो सिर दर्द, या फिर जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया है तो एलर्जी जैसा उनको कुछ जलन खुजली, इस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, त्वचा पर लाल चकत्ते, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, पेरिफेरल एडिमा, या फिर इस तरीके के मरीज जिनको पहले से हाइपोग्लाइसीमिया लिवर और किडनी में इन्फेक्शन है और दूसरे तरीके का उनके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है, थायराइड या फिर हाइपर थायराइड की समस्या इस तरीके के मरीज को है और उनको डायबिटीज भी है और इस इंजेक्शन का डोज ज़्यादा दे रहे हैं, तो ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये इंजेक्शन सोनोफी कंपनी का ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। आपको इस तरीके की पैकिंग में मिलेगा ये इंजेक्शन। और इसकी जो, अब हम मार्केट रेट की बात करें, तो इसकी जो मार्केट रेट है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर 572 यानी 572 रुपए का ये इंजेक्शन है, यानी 600 572 रुपीज का ये एक इंजेक्शन की जो रेट है। आप ये ना सोचे कि पूरे 5 इम्पुलिस जैसे इसके अंदर आएंगे तो उनकी रेट है, केवल एक इंजेक्शन की रेट 572 रुपए है। और कंपोजिशन की बात करें तो ये इसके अंदर ये कंपोजिशन दिया हुआ है, इंसुलिन ग्लूलिसाइन 100 IU और एम कैरेसोल इसके अंदर 0.315% इस तरीके से इसमें कंपोजिशन दिया हुआ है। मेन कंपोजिशन इसमें इंसुलिन ग्लूलिसाइन 100 IU के तौर पर मिलेगा, तो बढ़िया इंजेक्शन है, आप इसको मंगा सकते हैं। और जब भी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और आपका शुगर बार बार बढ़ जाता हो तो आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं तो उससे आप इस इंजेक्शन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छा इंजेक्शन है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले दोनों पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त है आप डोज कम दें, ज़्यादा ना दें। धन्यवाद।